نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آيات نمبر 64 سورة الأنفال पारा 10th या अय्युहन नबीयू, बहुत प्यारी आयात है, इस पे गौर कीजिएगा। या अय्युहन नबीयू, ए नबी। या अय्युहा क्या है? या अय्युहा इशारे के लिए आता है, ठीक है, और ए के लिए, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना ओ करके बुलाते हैं, इसी तरह अरबी में या अय्युहा कह के बुलाते हैं। ए अन नबीयू, ए नबी। हस्बुका, काफी है आपको। हस्बुका, काफी है आपको। हा सीन बा, इसके रूट लेटर्स हैं। हसीबा यहसबू, यह सब है। तो हस्ब यानी काफी है, का आपको, अल्लाहु अल्लाह यानी आपके लिए अल्लाह सफिशिएंट है। वम और मन, उसे जो, ये मन है, नून पे जज़म है, मन है, लेकिन जेयर मैंने बताया था, ज़्यादातर जब जेयर आता है ऐसे अल्फाज के नीचे तो वो आगे मिलाने के लिए आता है, तो आगे मिलाने के लिए नून के नीचे जेयर है। व मन तबाका, और जो पैरवी करें आपकी। इतबा या तबियू, इतबा है ये, इतबा मतलब फॉलो करना, पैरवी करना, जो पैरवी करे, जिसने पैरवी की, का आपकी, फेल माजी है ये। मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से। मिन मतलब से, मुमिनीना मोमिनों में से, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ए नबी काफी है आपको अल्लाह और उनको जो पैरवी करें आपकी मोमिनों में से, या जिसने पैरवी की आपकी मोमिनों में से। तो यहाँ पर जो है कितनी इम्पोर्टेंट बात ये बताई जा रही है, यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह ताला मोमिनों को तसल्ली दे रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और उन मोमिनों के लिए भी काफ़ी है अल्लाह ताला जो कि आपकी पैरवी करते हैं। क्योंकि देखें कि आपके कितने बड़े बड़े दुश्मन थे, क्योंकि ये सीन, आप पूरा सिनेरियो आप याद करें कि जो जंगे बदर चल रही है, या जंगे बदर का सीन है, अब जंगे बदर जो इसमें पूरे में बताया गया है, और जंगे बदर में क्या हालात थे, मुसलमान कितने कम और मुशरिकीन कितने ज़्यादा, और हथियार भी, आर्म्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, कितने दुश्मनों की तादाद कितने बड़ी बड़ी, तो अल्लाह ताला उस मौके पर भी यानी हुक्म लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं। उलमा और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये आयात गज़वे बदर के मैदान में जंग शुरू होने से पहले नाजिल हुई थी, ताकि कम तादाद और बेसमान मुसलमान सामने वाले को देखकर, उनकी सामने वाली पार्टी को देखकर परेशान ना हो, और वो उनको यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला मदद के लिए काफ़ी है। अब फिर यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और गौर करने की बात है इस आयत में, और वो ये है कि अल्लाह किसके लिए काफ़ी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन कि अल्लाह ताला किसके लिए काफ़ी होते हैं, किसके लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला किसके लिए काफ़ी होंगे, तो ये याद रखें अल्लाह के अहकाम की जो हिफाजत करेंगे तो अल्लाह ताला की हिफाजत मिलती है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया, अल्लाह ताला उन मोमिनों के लिए काफ़ी हैं जो आपकी पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, कुरान अल्लाह ताला के ने जो अहकाम दे दिए उनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, तभी अल्लाह ताला काफ़ी हो जाते हैं मोमिनों के लिए, तभी वो निडर होकर मोमिन आगे बढ़ पाता है। क्योंकि इसमें देखिए एक वाक़या भी आता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था, यानी उनकी सवारी के पीछे सवार था, वो तकरीबन कहते हैं कि मैं 10 या 11 साल का था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के मैं तुझे चंद कलिमात सिखाता हूँ, और वो ये कि अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम उसे अपने सामने पाओगे, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी और तुम्हें अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। कितनी बेहतरीन और कितनी प्यारी हदीस है ना,
बचपन से ही हमें बच्चों को ये बातें सिखा देनी चाहिए, क्योंकि देखें वो 10-11 साल के बच्चे थे और हमें भी अपने बच्चों को ये इस तरह से हिदायत देनी चाहिए, इस तरह से बातें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि देखो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आपके लिए काफ़ी हैं। लेकिन अल्लाह काफ़ी कब होंगे? जब अल्लाह की अहकाम की हिफाजत करोगे, जब नमाजों की हिफाजत करोगे, अपने यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे, जो अल्लाह ताला ने अहकाम बता दिए उनको फॉलो करोगे, तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो अगर हम इस तरह की नसीहतें शुरू से देते हुए चलें बच्चों को, तो हमारे बच्चों का ईमान भी बहुत मजबूत होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ही फिर काफ़ी होंगे उनके लिए भी। आगे ये भी फितनों का दौर है और आगे तो और ज़्यादा फितनों का दौर आएगा, तो उसमें ज़रूरत है हमें, हम माओं को, कि हम जो है ऐसी तरबियत करें अपने बच्चों की कि उनको ईमान से कोई ना हिला पाए। यहाँ तक कि अगर दज्जाल का फितना भी आए तो वो फितना भी हमारे बच्चों को ईमान से ना डगमगा पाए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन माएँ बनने की सलाहियत दे। तो फिर ये याद रखें, जो इताअत नहीं करता उसके लिए फिर हिफाजत का ज़िम्मा भी नहीं होता, क्योंकि आप कुरान में गौर करेंगे जो बार बार कहा गया, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे, या अल्लाह का काम करेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। वरना अल्लाह ताला ने चैलेंज भी दिया है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे या तुम नहीं उठोगे तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊँगा। तो ये चैलेंज भी अल्लाह ताला कर रहे हैं, या ये हमें अलर्ट भी अल्लाह ताला कर रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जानबूझकर नमाज़ें मत छोड़ा करो, मत तर्क किया करो। हम क्या करते हैं, बैठे बैठे मोबाइल में लग गए, सीरियल्स में लग गए और हमने नमाज़ें छोड़ दी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अहकाम की हिफाजत करनी है, उसमें हर अहकाम की हिफाजत करनी है, ठीक है। चाहे नमाज हो, ज़कात हो, छोटे छोटे से काम हो, जो भी कुरान के अंदर बता दिए गए हैं उन सब की हिफाजत करनी है। फिर आयत 65, या अय्युहन नबीयू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्रिद, उभारिए, रग़बत दिलाइए। हर्रिद देखिए, हा रौ दाद, इसके रूट लेटर्स हैं, और जब ये तीन हर्फी माजी पर आता है ना, हरौदा या हरिदू, जब ये आता है तो इसका मतलब होता है सख्त बीमार होना या हलाकत के करीब होना, सख्त बीमार होना या हलाकत के करीब होना। लेकिन जब ये तजदीद के साथ आ जाता है ना, हरौदा यू हरिदू, रा के ऊपर तजदीद है, जब ये तजदीद के साथ आ जाता है हरौदा यू हरिदू, तो इसका मतलब होता है कि तरगीब देकर हलाकत या तबाही से बचाना। यानी जब बाबे तफील यानी तजदीद के साथ आता है तो इसका मतलब होता है तरगीब देकर हलाकत या तबाही से बचाना, यानी इंस्ट्रक्शन देकर हलाकत या तबाही से बचाना, नसीहतें देकर, इंस्ट्रक्शंस देकर, नसीहतें देकर। तो यहाँ पर क्या है, उभारिए, यानी लोगों को नसीहतें देकर उभारिए। तो ए नबी, रग़बत दिलाइए, उभारिए अल-मुमिनीना, मोमिनों को, अल-क़िताल, क़िताल पर, अला मतलब पर, क़िताल पर, जंग पर, इन अगर, यकुन होंगे, आना यकुनू कुन से बना है, अगर होंगे, मिनकुम तुम में से, मिन मतलब से और कुम मतलब तुम में से, इश्रूना इश्रून 20, साबिरूना सबर करने वाले, स्वाद बारा साबिरून सबर करने वाले, स्वबरा यसबिरू से, साबिर फाइल है, ये सब्जेक्ट है फाइल, और साबिरूना फाइल जमा, यग़लिबू वो गालिब आ जाएंगे, यग़लिबू गैन लाम बा, इसके रूट लेटर्स है ये गलबा, यग़लिबू इग़लिब, तो दे विल ओवरकम, यानी वो गालिब आ जाएंगे, मी अतैनी 200 पर, मी अतैन 200 पर, व इन और अगर, यकुन होंगे, काना यकुनु कुन से, अगर होंगे, मिनकुम तुम में से, मी अतुन 100। अच्छा पहले यहाँ तक देखें, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोमिनों को उभारिए, यानी मोमिनों को रग़बत दिलाइए क़िताल पर, क्योंकि देखिए शुरू के बाद इसमें लेकर आइए अपने माइंड में वो सिनेरियो जंगे बदर का, जब बहुत कम थे मुसलमान
और जब मुकाबला होने जा रहा था तो वो मुकाबला कितने हजार लोगों से होने जा रहा था, यानी 1,000 थे वो लोग। तो इस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप उनको उभारिए, यानी इस्लाम की रगबत दिलाइए, आप उनको अल्लाह ताला की मोहब्बत उनके दिल में जगाइए, किताल पर उनको इनक्रेज कीजिए, यानी इनक्रेज करना उनको किताल के लिए, जंग के लिए इनक्रेज कीजिए। बताइए कि इसमें कितना ज़्यादा सवाब का काम है और कितना ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक रुतबा था उन लोगों का, कितना बड़ा रुतबा था जो जंग बदर में शामिल हुए थे, उनके दर्जात कितने बड़े हैं उन लोगों के बाद तक भी उनके दर्जात पर लोग नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो बहुत कम थे और उनके पास सिर्फ अपनी जानें थी बस और अल्लाह पर यकीन। तो यही कह रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर तुम सब्र करने वाले, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही है कि अगर क्योंकि कामयाबी किसके साथ है, कामयाबी सब्र के साथ है, तो सब्र करने वाले अगर तुम में से 20 होंगे तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, यानी वो 200 पर हावी हो जाएंगे, लेकिन सब्र करने वाले होने चाहिए, यानी थोड़े लोग ऐसे होने चाहिए जो कि सब्र करें, थोड़े लोग ऐसे होने चाहिए जो मैदान जंग में डट कर सामना करें, पीठ दिखाकर ना भागें, पीठ फेर कर ना भागें, अल्लाह पर यकीन करने वाले हों, अल्लाह ताला पर सब्र करने, अल्लाह ताला के ऊपर सब्र करें, मुकम्मल सब्र, और यकीन रखें कि अल्लाह की मदद आएगी, और फिर सब्र करें, और फिर देखें वो गालिब आ जाएंगे 200 पर। और अगर यकुन होंगे वो मिनकुम तुम में से मियतुन 100 यगलिबू वो गालिब आ जाएंगे अल्फन 1,000 पर, यानी अगर 100 होंगे सब्र करने वाले तो वो किस पर गालिब आ जाएंगे, यानी किस हावी हो जाएंगे वो 1,000 पर, अल्फन 1,000 पर वो हावी हो जाएंगे। मिनल लजीना मिन मतलब से, अल्लजीना उन लोगों में से जिन्होंने कफरू कुफर किया, बी अन्नहुं इस वजह से कि बेशक वो कौमुन ऐसी कौम है, ला यफ़कहून के वो नहीं समझती, ला नहीं यफ़कहून फ़कीहा यफ़कहू से, नहीं वो समझते, नहीं वो फ़िक्ह किसे कहते हैं, गहरी समझ रखना, गहरी समझ बूझ, क्योंकि जिससे तुम्हारा मुकाबला होने जा रहा है उनके वो जो हैं उनके पास समझ बूझ नहीं है, वो समझ नहीं रखते, इसलिए अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है इस बात का यकीन रखना है कि यानी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला की शान पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि सब्र करने वाले थोड़े भी होंगे तो वो हैवी बड़ी जमात पर गालिब आ जाएंगे, और फिर अगर तुम में 1,000 होंगे, यानी अगर 100 होंगे तो वो 1,000 पर गालिब आ जाएंगे, यानी इतनों यानी सब्र, यानी डट कर मुकाबला करें, भागे ना, पीठ फेर कर ना भागे। फिर आगे देखिए अल आना, अब अल आना, अब इसी से रिलेटेड है ये आयात, खफ फफा हल्का कर दिया, खफ फफा यू खफ फिफू से बनाए, खफ खा फा फा हल्का करना, तखफीफ करना, अब हल्का कर दिया अल्लाहु अल्लाह ने, अन कुम तुम से, अन मतलब से और कुम मतलब तुम से, व अलीमा और उसने जान लिया, अलीमा या लमू से और उसने जान लिया, अन्ना बेशक फी कुम तुम में, फी मतलब में और कुम तुम में, दाफन कमजोरी है, दाफ कमजोरी, दौद इनफा कहते हैं, चाहे हमारी ताकत में कमजोरी हो या हमारी हिम्मत कम हो या हमारी जो है कमजोरी, हर तरह की कमजोरी, मानवीय कमजोरी इसके अंदर आ जाती है, ज़हनी कमजोरी, हर तरह की कमजोरी दौफ इसके अंदर आ जाती है, तो बेशक तुम में दौफन कमजोरी है, फाइन फिर अगर यकुन हो मिन कुम तुम में से मी अतुन 100 साबिरतुन सबर करने वाले, यगलिबू वो गालिब आ जाएंगे। अच्छा ये साबिरतुन तो आ जो है ना ता दो पेशतुन के साथ, ये फीमेल का सेगा नहीं है, कभी आप सोचें कि ता लग गया तो ये फीमेल का सेगा है, सबर करने वाले साबिरतुन है, ये जो है फोर्स देने के लिए लगाया जाता है, यगलिबूना यानी जब एडवांस ग्रामर होगी तो इंशाल्लाह इस ता के बारे में भी आपको समझ में आएगा, यगलिबूना वो गालिब आ जाएंगे,
गलीबा यगलीबू, वो गालिब आ जाएंगे, जीत जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे, मी अतैनी दो सौ पर, व इन और अगर हूँ, मिनकुम तुम में से, अल्फुन एक हजार, अल्फ एक हजार, यगलीबू वो गालिब आ जाएंगे, अल्फैनी दो हजार पर, आईनी हो गया ना, आईनी डुअल का सेगा होता है, आनी या आईनी वाली आवाज, तो दो हजार पर, बिज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु और अल्लाह मअस्साबिरीन साथ है सबर करने वालों के। अब इसमें देखें पहले क्या कहा कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मुसलमानों को तरगीब दिलाइए कि अगर वो थोड़े भी होंगे तो वो बड़ी और हैवी जमात पर गालिब आ जाएंगे, यानी अगर वो सबर करने वाले 20 होंगे तो वो 200 पर हावी आ जाएंगे। तो ये गिनती जो है कुछ ज़्यादा हो गई थी, है ना, गिनती ज़्यादा कैसे हो गई, यानी अगर मुसलमान मान लीजिए 20 हैं और सामने वाली पार्टी में 200 हैं तो एक एक के ऊपर कितने लोग आए, एक एक पर कितने आए, यानी एक एक को फिर कितनों से मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन इस आयत में ये देखें कि आयत नंबर 63 में अल आना खफ़फ़ा, अब अल्लाह ने हल्का कर दिया तुमसे और जान लिया कि तुम में कमज़ोरी है, यानी इतनी ताकत नहीं है मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी के अंदर कमज़ोरी है, हो सकता है कि उनके दिल में कुछ और ख्याल आ जाए, हो सकता है डगमगा जाए, इसलिए अल्लाह ने तख़फीफ कर दी, अल्लाह ने हल्का कर दिया। और फिर यह आयत में क्या कहा अल्लाह ताला ने, अगर 100 होंगे तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, यानी अब सिर्फ डबल कर दिया, यानी अब ये कम से कम इतने तो हों कि सब्र करने वाले, तुम्हारी जमात में सब्र करने वाले इतने तो हों कि अगर वो 10 हैं तो वो 20 पर हावी आ जाए, यानी एक एक का एक एक जो है कम से कम दो दो से लड़ ले, एक एक जो है वो कम से कम, यानी एक जो है सिंपल लैंग्वेज में दो दो से मुकाबला कर ले, इतने तो सबर करने वाले होने चाहिए, ठीक है। और इतने भी नहीं होंगे तो फिर वो जमात टिक नहीं पाएगी, फिर वो जो है अगर उनके अंदर सबर नहीं होगा तो फिर मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला ने तख़फीफ कर दी, कम कर दिया कि कम से कम इतने तो हों कि डबल, अगर वो कम है तो डबल का मुकाबला कर लें, लेकिन अगर सबर करने वाले होंगे तो अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। फिर पहली वाली आयत याद रखें कि अल्लाह ताला काफ़ी है, किसके लिए काफ़ी है, उन लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी है। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सब्र करने वाले हों तुम्हारी जमात में, एक तो दीन की समझ रखने वाले, क्योंकि इससे पहले देखिए कि ऐसी कौम जो समझ नहीं रखती ऐसी कौम फिर कामयाब नहीं होती। तो क्या होना चाहिए, एक तो सबसे पहले कामयाबी के लिए सब्र होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है। अब जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, आपको कुरान मुकम्मल करना है, आपको कामयाबी चाहिए, आपको इसको खैर के साथ मुकम्मल करना है और आगे तक पहुँचाना है, आगे तक बढ़ना है, यहीं तक नहीं रहना, तो उसके लिए सब्र करना है। किस कब तक का सब्र, जब तक ये कुरान मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक का सब्र भी करना है, डट कर सामना करना है हर प्रॉब्लम्स का, डट कर सामना करना है जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन करना है, तभी जो है टिक पाएंगे, तभी जो है एंड तक जा पाएंगे, क्योंकि सामने जो इससे हमारा मुकाबला है वो शैतान से है, एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ मोमिन है, तो उससे मुकाबला है, तो उसके लिए इस पर सब्र करना है। और फिर दीन की समझ रखना, दीन की समझ होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के अहकाम को समझने वाला होना चाहिए, ठीक है। और फिर कितनी बड़ी खुशखबरी है कि सब्र मुश्किल होता है, कोई तकलीफ़ देने वाली बात या काम या चीज़ जब सामने आती है, या कोई गम देने वाली या कोई खौफ में मुब्तला करने वाली बात, तो हम सब्र का दामन छोड़ देते हैं और समझते हैं कि शायद हम जब बिलबिला जाएंगे या ऐसे वर्ड्स मुंह से निकालेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नहीं, उस वक्त सब्र करना बहुत ज़रूरी है। सब्र जब किसी का इंतकाल हो जाए, जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए, तो ऐसे अल्फाज भी मुंह से ना निकालें वरना हमारा सब्र ज़ाया हो जाता है। तो अल्लाह ताला क्या करे, जो भी परेशानी हो, खौफ हो, गम हो, परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उसमें क्या करें, सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआएँ मांगें, मदद मांगें अल्लाह ताला की सब्र और नमाज से, क्योंकि पहले भी गुजर चुकी है ये आयत। तो सब्र मुश्किल है, और फिर ये याद रखें, मैंने बताया ये वाली आयत बहुत प्यारी है कि जब भी सब्र ना हो रहा हो तो दुआ करें कि, और ये पढ़ के देखें कि अल्लाहुम्मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और फिर सब्र भी आता है और हिम्मत भी हमें मिलती है कि नहीं, हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमारा साथ देंगे और अल्लाह हमारे साथ हैं। फिर आयत 67 देखें, माँ काना नहीं है, माँ के मीनिंग अब यहाँ पर नहीं में करेंगे, नेगेटिव में, नहीं है ली नबीयिन, नबी के लिए या किसी नबी के लिए, लाम ज़ेर ली है तो लिए, अन के, यकूना हो, काना यकूनू से बना है, और यकूना नून के ऊपर
जबर आ गया अन की वजह से, के हो लहू उसके लिए, असरा कैदी, असरा, असरा जो है ना असीर की जमा या उसरा की जमा दोनों हो सकती है, असीर की जमा भी आ सकती है और उसरा की जमा भी, यानी कैद करना या पाँव की बेड़ियां, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैदी, तो हत्ता यहाँ तक के, युस्खिना वो अच्छी तरह खून बहा दें, युस्खिना अच्छी तरह खून रेजी करने के लिए आता है ये लफ्ज, अच्छी तरह खून बहाना। सा नून खा, वो सा खा नून इसके रूट लेटर्स हैं, सा खा नून, अस्खना युस्खिनु अस्खिन, ये युस्खिनु था, नून के ऊपर जबर आ गया हत्ता की वजह से, वो अच्छी तरह खून बहा दें, फिल अर्दी जमीन में, तुरी दूना तुम चाहते हो, अरौदा युरीदू तुम चाहते हो, अरौदा सामान, अद्दुनिया दुनिया का, वल्लाहु और अल्लाह, युरीदू वो चाहता है इरादा करता है, अरौदा युरीदू, आखिरता आखरत, और अल्लाह अजीजुन हकीम जबरदस्त हिकमत वाले हैं। अब यहाँ पर जो कैदी हाथ में लगे, अब यहाँ पर ये देखें कि जब जंग बदर हुई थी, जब ये जंग हुई थी तो मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत भी मिला था, ठीक है, गनीमत, और उसके अलावा कैदी भी मिले थे मुसलमानों के हाथ में, बहुत कुछ आया था इस आयात में। तो अब जब कैदी हाथ में आए थे तो अब ये देखिए कि बड़े बड़े 70 सरदार थे, यानी जंगे बदर की कामयाबी के बाद मुसलमानों के कब्जे में दुश्मनों के बड़े बड़े 70 सरदार आए थे जिनको वो कैदी बनाकर अपने साथ ले आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा भी किया था कि इन साहबा इन कैदियों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं। तो हज़रत अबू सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये राय थी कि इन कैदियों को जो है माफ़ कर दिया जाए और माफ़ करके छोड़ दिया जाए, या फिर माल में फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर की राय थी कि इनका कत्ल कर दिया जाए। बहरहाल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनको जो है फ़िदिया लेकर छोड़ दिया, कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया था। और फिर देखिए फिदिया भी मिला, कैदी भी आए हाथ में, और माले गनीमत भी मिला बहुत सारा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि असल मकसद ये नहीं था कि माले गनीमत मिले या दुनिया का सामान, यानी हो सकता है तुम्हारे मन में दुनिया के सामान के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आ जाए, क्योंकि इंसान जो है ना माल की मोहब्बत जो है बहुत जल्दी से इंसान के दिल में आ जाती है, रच बस जाती है दिल में माल की मोहब्बत। तो हो सकता है किसी के मन में आ जाए ये ख्याल कि फिदिया भी मिल गया और माले गनीमत भी मिला। तो अल्लाह ताला कह रहे असल मकसद ये नहीं था, असल मकसद क्या था, असल मकसद था दुश्मनों की ताकत को तोड़ना, यानी दुश्मनों को तोड़ना, उनकी ताकत को तोड़ना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नहीं है किसी नबी के लिए कि हो उसके लिए कैदी यहाँ तक कि वो अच्छी तरह खून बहा दें ज़मीन में। तुम चाहते हो दुनिया का सामान और अल्लाह चाहता है आखिरत का, यानी मुराद यहाँ पर यह है कि सिर्फ दुश्मन को पकड़ना, यानी सिर्फ यहाँ पर ये जो जंगे बदर हुई थी इसका असल मकसद ये था कि दुश्मनों की ताकत टूट जाए, ठीक है। तो इस उनको जो है उनके गुरूर को तोड़ना था, उनकी ताकत को तोड़ना था। और फिर ये याद रखो दुनिया का सामान नहीं, वो तो तुम्हें मिल गया, वो तो गनीमत है, क्योंकि वो तो पहले नबी के, क्योंकि पहले बता दी गई थी ना ये हदीस के किसी नबी की शरीयत में ये जायज़ नहीं था, हराम था, इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये जायज़ हो गया, अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये गनीमत यानी अनफाल, इस सूरत का नाम भी अनफाल गनीमत के ऊपर रखा गया। अनफाल किसको कहते हैं, एक्स्ट्रा को, जायद को, नफिल की जमा अनफाल यानी एक्स्ट्रा जायद, वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो जायद है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें माल गनीमत मिला, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए, दुनिया नहीं आखिरत। तो यकीन रखो अल्लाह ताला के पास जो आखिरत है वो बहुत ज़बरदस्त है, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। लौला अगर नहीं होता, लऊ के मीनिंग मैंने बताया था अगर या काश दोनों में आता है, अगर ला नहीं होता किताबुन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ से यहाँ मुराद है गनीमत के बारे में। अगर नहीं होता यानी फिदिया, ये जो फिदिये में दिया था ना यहाँ पर मुराद है फिदिया, अगर नहीं होता लिखा हुआ मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से सबका जो गुजर गया, जो गुजर चुका, सबका
सीन बा काफ सबक जो गुजर गया सबका यसबिकु इसबिक फेले माजी है लामस्सकुम जरूर पहुंचता तुम्हें मस्सा या मुस्सू से छूता या पहुंचता लाम यहाँ पर जरूर के लिए आ रहा है ताकीद फोर्स के लिए जरूर पहुंचता कुम तुम्हें फी माँ उसमें जो अखस तुम लिया तुमने अखजा या खुजू से अखस तुम तुमने लिया अजाबुन अजाब अजीम बहुत बड़ा यानी फिदिये की बात हो रही है कि ये जो है अल्लाह ताला ने जायज़ कर दिया या ये तुम्हारे लिए अब जायज़ हो गया तो अगर ये लिखा हुआ ना होता यानी अगर तो फिर तुम्हें अजाब पहुंचता यानी तुम्हें फिर सजा पहुंचती अजाब मिलता अल्लाह ताला की तरफ से लेकिन अल्लाह ताला ने आसानी करी और इसको जायज़ कर दिया और तुम्हें फिदिया भी दिया माल गनीमत भी ये तुम्हारे लिए हलाल हो गया फकुलू तो खाओ फा मतलब तो यानी ये आयात यहाँ पर क्यों आई है ये मैं अभी बताती हूँ पहले आगे वाली आयात देखें क्योंकि आयत नंबर 69 में है ना कि अगर फिदिया या माले गनीमत अगर लिखा हुआ ना होता तो तुम्हें जरूर अजाब मिलता तो आयत नंबर 69 देखें पहले फकुलू तो खाओ फा मतलब तो कुलू खाओ काला या कुलू अकला या कुलू से बनाए अकला या कुलू कुल छोटे काफ से है ये कुलू खाओ मिम्मा उसमें से जो मिन प्लस मा उसमें से जो गनीमतुम गनीमत पाई तुमने यानी जो गनीमत में मिला तुम्हें या जो गनीमत पाई तुमने हलालन हलाल तोयबन पाकीजा वत्तकु और डरो अल्लाह अल्लाह से इत्तका यत्तकी से वत्तकु और डरो अल्लाह से इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम बख्शने वाले रहम करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया जो माली गनीमत है और जो फिदिया है उसको खाओ खाओ का मतलब यहाँ पर खाना क्यों है माल के लिए खाना ही आता है क्योंकि माल जो है वो ज़्यादातर हिस्सा एक तो माल का खाने में इस्तेमाल हो जाता है और खर्च करना मतलब खा जाने का मतलब खर्च करना तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पर खाओ जो तुमने गनीमत पाई उसको हलाल और पाक समझकर तैयब समझकर क्योंकि ये भी प्रोपेगेंडा उठा था मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ कि देखो ये तो माल गनीमत खा रहे हैं क्योंकि जितनी भी शरीयत थी उसके अंदर हराम था ना और वो लोग अपने आप को कहते थे फॉलोवर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे तो वो क्या कहते थे कि देखो 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 माले गनीमत भी खा रहे हैं मुसलमान तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं इस प्रोपेगेंडा पे ध्यान मत दो ये तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया इसकी इजाज़त तुम्हें अल्लाह ने दी है तो इसको हलाल और पाकीज़ा समझ कर खाओ जो ये प्रोपेगेंडा उठ रहे हैं इस्लाम के खिलाफ इनकी तरफ नज़र मत करो यानी इनको ध्यान मत दो इग्नोर करो और अल्लाह से डरो और इसको हलाल और पाक समझ कर खाओ बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम बख्शने वाले रहम करने वाले और अगर अल्लाह ताला ने ना लिखा होता ये यानी अगर अल्लाह ताला फ़र्ज ना करते और अगर ना लिखा होता तब अजाब मिलता तब अजाब पहुंचता तुम्हें लेकिन अब क्या है अब अल्लाह ताला ने इसको हलाल कर दिया तो हलाल और पाक समझ के खाओ ठीक है फिर आयत नंबर 70 देखें या अय्युहन नबीयू ए नबी कुल कह दीजिए लिमन उनसे जो या उनके लिए जो या उनसे जो फी अईदीकुम तुम्हारे हाथों में है फी मतलब में अईदीकुम तुम्हारे हाथों में है मिनल असरा कैदियों में से असरा पहले भी पीछे गुजर चुका अभी मिन मतलब से असरा कैदियों में से इन अगर यालम जान लेगा अलीमा यालमु से बना है फेले मुजारे मीम के ऊपर जजम है लेकिन जेर यहाँ पर लगा हुआ है आगे अल्लाह से मिलाने के लिए तो या अलम था इन की वजह से अगर जान लेगा अल्लाहु अल्लाह फी कुलूबिकुम फी मतलब में कुलूबिकुम दिलों में तुम्हारे दिलों में खैरन कोई भलाई युतीकुम वो देगा तुम्हें अता या अती से बना है युती फेले मुजारे वो देगा तुम्हें खैरन बेहतर मिम्मा उससे जो उखीजा ले लिया गया अखजा या खुजू से बना है ये मजहूल है उखीजा लिया गया मिनकुम तुमसे व यगफिर और बख्श देगा गफर यगफिर उसे बख्श देगा लकुम तुम्हें वल्लाहु और अल्लाह गफूर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है। अभी यहाँ पर देखें कि माले गनीमत वो फिदिये की बात हो रही है ना जो कैदी आए थे और कैदियों के साथ क्या किया जाए तो क्या हुक्म हुआ कि उन कैदियों को फिदिया लेकर उन कैदियों को छोड़ दिया जाए और याद है कि फिदिया कितना लिया गया था जंग बदर में कैदियों से एक कैदी से 4000 दिरहम फीकस आता है जो लिया गया था जंग बदर के कैदियों से फिदिया लिया गया था और उसमें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे यानी हज़रत अब्बास कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा
और आपके दामाद अबुल आस भी थे, नौफल बिन हारिस वगैरह ये सब थे। और फिर ये वाक्य आपको याद होगा कि हज़रत ज़ैनब ने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, तो जब उनसे फ़िदिया लिया गया तो हज़रत ज़ैनब ने क्या दिया था, हज़रत ज़ैनब ने वही हार पेश किया था जो कि हज़रत खदीजा ने हज़रत ज़ैनब को दिया था। तो अपने शोहर को छुड़ाने के लिए जब उन्होंने वो हार दिया तो उसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तो आपने सहाबा से पूछा, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं ये ज़ैनब का हार वापस कर दूँ और कैदी को छोड़ दूँ। तो सब सहाबा ने इस पर एग्री किया था। और सिर्फ ये रुख्सत इन्हीं कैदी के साथ नहीं की गई थी, ये रुख्सत और भी कैदियों के साथ की गई थी। यानी अगर किसी के पास फिदिये के पैसे नहीं थे तो किसी के ऊपर सख्ती नहीं की गई थी। अगर फिदिये के पैसे नहीं थे तो अगर वो पढ़ा लिखा था तो उससे कहा गया था कि हमारे बच्चों को पढ़ा दो, हमारे लोगों को पढ़ा दो, तो उनको पढ़ाने को कहा गया। या फिर किसी से सिर्फ इस जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, पैसे भी नहीं थे जिसके पास, यानी दिरहम भी नहीं थे, तो फिर उनको ये वादा लेकर सिर्फ छोड़ दिया गया था कि तुम वापस नहीं लड़ोगे, वापस जंग नहीं करोगे। तो ये होता है फिदिया, यानी फिदिये में उनसे ये सब कुछ शराइत के साथ उनको छोड़ा गया था। किसी से माल लेकर, किसी से पढ़ाने को कहा गया, किसी को वादा लेकर छोड़ दिया गया। और ये भी जिसको पढ़ाना आता था कि वो 10-10 बच्चों को पढ़ा दे हमारे। तो यहाँ पर ये कहते हैं, ये जो आयत है, ए नबी कह दीजिए उनसे जो तुम्हारे हाथों में कैदी हैं, अगर जान लेगा अल्लाह उनके दिलों में कोई भलाई से मुराद यहाँ पर क्या है, इस्लाम। अगर उनके दिल में इस्लाम हो, यानी अगर वो इस्लाम कबूल कर लें, तो देगा अल्लाह इससे बेहतर जो उनसे ले लिया गया था। यानी अब जो तुमसे ले लिया गया है इससे बेहतर तुमको मिलेगा आगे। तो तुम क्या करो, तुम में अगर ज़रा भी भलाई होगी। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यह आयत मेरे बारे में नाजिल हुई, यानी यह आयत मेरे बारे में नाजिल हुई, क्योंकि जब वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझसे कहा था कि मुझे जो है फ़िदिया दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, यानी मेरे पास नहीं है। तो हज़रत अब्बास ने कहा, तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि नहीं, उसका क्या हुआ जो माल अभी आप अपनी बीवी को देकर आए हैं, जो आपने अपनी बीवी के हवाले किया था अभी, यानी आने से पहले, जंग में आने से पहले। तो वो हैरान हो गए इस बात पर, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आपको मतलब ये बात कैसे पता, ये तो सिर्फ मेरी बीवी और मेरे दरमियान ये बात थी, हमारी मियाँ बीवी का आपस का मामला था, ये तो आपको कैसे पता चली, मैंने तो रात के अंधेरे में अकेले तने तना उनको ये माल दिया था, सोना दिया था। तो रसूलुल्लाह ने कहा ये मेरे रब ने मुझे बताया। तो तब उन्होंने कहा कि मैं शहादत देता हूँ आप वाकई सच्चे रसूल हैं। तो तब इब्ने अब्बास जो हैं वो इस्लाम लेकर आए थे, लेकिन फिर भी उनसे लिया गया था, उनसे फ़िदिया लिया गया था। और उन्होंने कहा था, क्योंकि ये जो आयत थी ना, कि इसमें कहा गया कि अगर अल्लाह तुम्हारे अंदर भलाई जान लेगा तो तुमसे जो कुछ अभी लिया गया है आगे उसके बदले तुमको कहीं ज़्यादा मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा, और बख्श भी दिया जाएगा, यानी बख्शिश भी मिलेगी, इससे ज़्यादा माल भी मिलेगा। तो हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह का ये फरमान आगे सही साबित हुआ, मैंने अपनी आज़ादी के लिए 120 ऊँटिया सोना दिया था, तो इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने मुझे 20 ताजिर गुलाम दिलवाए। यानी उनको आगे जंग में जब गुलाम मिल रहे थे तो मुझे 20 ताजिर गुलाम मिले, यानी एक तो गुलाम थे वो और ऊपर से तिजारत करने वाले। वो कहते हैं कि उनमें से एक एक गुलाम की कम से कम 1000 दिरहम कीमत थी, उससे कम का नहीं था कोई। तो यहाँ पर देखें कि क्या किया गया, क्या कैदियों को जो है कोई लान तान नहीं की गई, ये नहीं कहा गया कि देखो तुम कैदी हो, उनको बेइज्जत नहीं किया गया पकड़ने के बाद, उनको जो है उनके साथ अच्छा सलूक किया गया, उनको खाना पीना अच्छा दिया गया, उनके साथ नरमी का बर्ताव किया गया, और उसमें से कुछ फिर ईमान भी लेकर आ गए थे, फिर उसमें से कुछ मुसलमान भी हो गए थे। अब आगे देखें आयत नंबर 71, वा इन, और अगर यूरीदू वो इरादा करेंगे, वा मतलब और, इन मगर मतलब अगर, उरीदू वो इरादा करेंगे, अरादा यूरीदू से बना है फेले मुजारे, यूरीदू ना था, नून यहाँ पर गिर गया इनकी वजह से, अगर वो इरादा करेंगे खयानत का, आपसे खयानत का, यानी आपके साथ खयानत का, खयानत और का आपके साथ, यहाँ पर मतलब खयानत की का यानी इशारा है यहाँ पर कुफ्र और शिर्क की तरफ। खयानत का मतलब क्या है, कुफ्र और शिर्क। अगर वो खयानत करेंगे आपसे, फ़कत तो दर हकीकत खानू, उन्होंने खयानत की अल्लाह अल्लाह से, मिन कबल इससे पहले, खानू फेले माजी है, खाना खानू खयानत की अल्लाह अल्लाह से, मिन कबली का इससे पहले, फम कना तो उसने काबू में दे दिया, मीम काफ नून इसके रूट लेटर्स हैं, अम कना मकन से काबू में दे देना, तो उसने काबू में दे दिया यानी तुम्हारे अंडर दे दिया, अम कना यमकिनु अमकिन,
मिनहुम उन्हें, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला हकीम हिकमत वाला है। यानी यहाँ पर ये कहा कि अगर आपको ये डर है कि वो आगे आपसे खयानत करेंगे, है ना, अगर आपको ये डर है कि कैदियों में से कि अगर ये आपसे आपके साथ खयानत करेंगे, यानी अगर आपने इनको फिदिया देकर छोड़ दिया, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आगे ये खयानत करें या आगे जो है आपके साथ चीटिंग कर जाएं, तो फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, उन्होंने तो अल्लाह ताला से भी खयानत की है, फिर अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसे अब काबू में दे दिया, अल्लाह ताला तो आगे भी काबू में दे देगा, तो इसलिए अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करके उनको छोड़ दो। ठीक है, तो यही कहने लगा कि अगर वो इरादा करेंगे आपसे खयानत का, यानी अगर आपने इन्हें छोड़ दिया, अगर वो यही काम वापस करेंगे, तो याद रखो कि उन्होंने खयानत की अल्लाह से, यानी वो आपसे खयानत नहीं कर रहे, वो तो अल्लाह से खयानत कर रहे हैं। अगर उन्होंने खयानत की, यानी अगर उन्होंने चीटिंग की या वापस जाकर उन्होंने फिर से कुछ तदबीरें करी, तो याद रखो उन्होंने अल्लाह से खयानत की इससे पहले, और उसने उन्हें काबू में दे दिया, उन्हें जब अल्लाह ने अब काबू में दे दिया, तुम्हारे अंडर दे दिए, तुम्हारे हाथों में कैदी बनाकर दे दिया, तो अल्लाह ताला आगे भी दे सकते हैं, और अल्लाह ताला खूब जानने वाले और हिकमत वाले हैं। क्योंकि देखिए जंगे बदर में जो कुछ कैदी थे जो ईमान लेकर आ गए थे, कुछ मुसलमानों को के दिलों में ये अंदेशा था कि ये लोग मक्का पहुंचकर ऐसा ना हो कि इस्लाम से फिर जाएं और फिर हमें नुकसान पहुंचाएं, तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने इससे पहले अल्लाह से खयानत कर ली है, अगर वो कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा करेंगे तो अल्लाह ने जिस तरह अभी काबू में दे दिया है तो आगे भी दे देंगे, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो।